निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। क्या कॉमेडी की है, वाह क्या कॉमेडी करता है। औरत लोगों का रिस्पेक्ट करो, तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, इंडियन ऑडियंस क्या है, भेड़ चाल में चलने वाली। कल तक हिंदुस्तानी भाऊ बहुत फनी थे, बहुत ज्यादा फनी थे, लेकिन आज हिंदुस्तानी भाऊ और हिंदुस्तानी भाऊ लाइट दोनों गालियां खा रहे हैं उन्हीं से मरकतों पर, जिनकी वजह से उनके ऊपर मीम्स बने, उनको फेमस किया गया, उनको बिग बॉस में भेजा गया। मुझे मत बोलना आई नेवर लाइक्ड हिम, और मेरी किसी भी वीडियो में किसी भी कॉन्टेंट में टपा टप टपा टप क्या बोलते टपा वाली टेम्पलेट भी नहीं है। आई नेवर फॉलोड हिम, और मैंने तो बिग बॉस वाली वीडियो में ही बोल दिया था कि भाऊ सिर्फ बातों का शेर है। अभी अग्रिमा और शुभम वाला जो सीन हुआ वो सबको पता है, और मामला वही है। हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि अगर एक चोर दूसरे चोर के घर में चोरी कर ले तो पहले वाले की वो चोरी जस्टिफाइड हो जाती है कि नहीं मैंने तो चोर के घर में चोरी की है। जी नहीं, मंदबुद्धि वर्सेज मंदबुद्धि वाली सिचुएशन है, और मैं दोनों में से किसी की भी हरकत को जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ। एक तरफ तो अग्रिमा की एजेंडा से भरी 2 साल पुरानी अनफनी स्टैंड अप कॉमेडी जिसको बंदा 1 मिनट से ज्यादा झेल ना सके, और दूसरी तरफ एक मेंटली इल इंसान जो गाड़ी में बैठकर सोशल मीडिया पर एक लड़की को रेप थ्रेट दे रहा है क्योंकि उस बंदे को 2 साल बाद एक स्टैंड अप कॉमेडी में कुछ ऑफेंसिव लगता है। आज हम बात करेंगे कुछ स्टैंड अप कम्युनिटी वाले लोगों की, नॉट एवरीवन, कुछ लोग हैं इवन एक्स कॉमेडियंस हैं क्योंकि दे आर नो मोर फनी। आप लोग समझ ही गए होंगे किन की बात होगी। कल तक इन लोगों को रोस्टिंग में साइबर बुलिंग, हैरेसमेंट, क्लासिज्म, रेसिज्म दिख रहा था। इवन हम लोगों को टैग कर करके हमारे खिलाफ ऑडियंस को भड़का भी रहे थे, लेकिन आज ये लोग मांग रहे हैं आर्टिस्ट के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जोकिंग, क्योंकि कल तक जिस ऑडियंस को इन लोगों ने भड़का के दूसरों के खिलाफ मैनिपुलेट कर करके सेंसिटिव बना दिया, आज वही ऑडियंस इनके जोक्स पर ऑफेंड हो गई। सो नाउ दे आर हैविंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। आज हमारे कुणाल कामरा भैया को आर्टिस्ट के जोक मारने की फ्रीडम चाहिए। देख भाई कुणाल, आज तूने एक लड़की के लिए स्टैंड लिया, हम लोगों को भी अच्छा लगा, हम भी तेरी साइड आए, क्योंकि आज तक तूने हमेशा गलत ही स्टैंड लिया या बेगूसराय में कैंडिडेट हरवाने के लिए स्टैंड लिया है। लेकिन क्या तुझे कल तक ये नहीं पता था कि कैरी मिनाटी को और मुझे भी जोक मारने की फ्रीडम है? हमारा जोक भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ही आता है। या फिर तू इस बात से अग्री करता है कि तुझे क्लाउट चाहिए था क्योंकि मोदी मोदी करके तेरे करियर का ऑलरेडी स्विच ऑफ हो चुका, या फिर तू हिपोक्रेट है। देख आई नो तू आरएस का पौवा पीता है, बहुत सस्ती दारू पीता है, तू नशे में रहता है, इसीलिए जो तू मीम शेयर करता है उस पे मीमर के नाम का वाटरमार्क होते हुए भी तू पूछता है हु डिड दिस। लेकिन इतना भी नशे में मत रहा कर कि तू खुद के स्टेटमेंट्स को क्रॉस ओवर कर दे। कल तक तुझे रोस्टर्स के जोक भी क्लासिस्ट और रेसिस्ट लगते थे, लेकिन आज तुझे किसी रिलीजन पे हो रही कॉमेडी और हिंदू फोबिक जोक्स पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। वाह भाई, ये कहाँ की इक्वलिटी है? मतलब मैं तेरे साथ हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, फ्रीडम ऑफ जोक्स पे, लेकिन पहले इक्वलिटी तो ला। जोक्स आर सब्जेक्टिव, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है। किसी को नॉर्मी पसंद आती है, किसी को एजी पसंद आती है, किसी के लिए कुछ एजी है, किसी के लिए कुछ नॉर्मी है। लेकिन आज तक तुम लोगों ने जिन लोगों से तुम चिढ़ते थे, अपनी एंटी लोगों पर एलिगेशंस लगाए, उनके ह्यूमर में लॉजिक निकाले, उनका इंटेंट बदल बदल कर लोगों को मैनिपुलेट किया, उनके ऊपर हेट डलवाई, क्या वो लोग आर्टिस्ट नहीं थे? क्या उन लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी? अब तुम लोगों के ही कर्म तुम लोगों को आगे भुगतने पड़ रहे हैं कि अब करके दिखाओ तुम रिलीजन पे कोई कॉमेडी। नाउ इंडिया इज नो प्लेस फॉर कॉमेडियन ह्यूमर, और इस सब का कारण तुम ही लोग हो जिनके डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी अब सामने आ रही है, और अब तुम रोने मचा रहे हो। इन लोगों से अपना बिना गाली वाला रोस्ट नहीं झेलता, लिटरली बिना गाली वाला एक क्रिटिसिज्म तक नहीं झेल सकते, और यूट्यूबर्स पर हेट डलवा रहे थे। तो भैया भड़काओ और पब्लिक को, अब पब्लिक इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि तुम्हारे लिए भी स्कोप नहीं बचा अब कॉमेडी करने के लिए। और भाई तुम लोग तो वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन एनजीओ की बातें किया ही मत करो, ना उनको टैग किया करो, क्योंकि कल तक कैनी सेबेस्टियन भैया अपने सारे फॉलोअर्स की माँ को रन बता रहे थे, और जब पकड़े गए तो सारे कमेंट्स डिलीट मार के बोलते हैं कि भैया ये तो फेक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। अरे कैनी भैया यार, तुम मेरे को इतने पसंद थे और चलो बोल भी दिया था, फिर एक्सेप्ट तो कर लेते, नए हो क्या गैंग में? रिलीजियस जोक्स पर पब्लिक क्या मारने लगी, पूरा डबल स्टैंडर्ड वाला गैंग आ गया एक साथ। रिलीजियस जोक्स पर पब्लिक क्या मारने लगी, पूरा हिपोक्रिट गैंग आ गया एक साथ। कैरी और मेरे ऊपर रोस्ट बनाते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिखी थी क्या भैया? बेकार में गाली भी खाई और तन में भटके भी पेट पे लगवा दी लाल। मुझे तो भैया इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी स्टोरीज में मेंशन किया गया था, क्योंकि मैंने एक बिल्कुल वेजिटेरियन बिना गाली वाला रोस्ट बनाया था, और कुछ लोगों ने उस तीसरे इंसान के चैनल पे जाके गाली गलौज या थोड़ी बहुत हेट डाल दी थी। जबकि मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ कि भैया अपने चैनल तक रखा करो, किसी पे हेट मत डाला करो, अपने कमेंट सेक्शन तक रखा करो, दो दो पेज का हम डिस्क्लेमर नीचे लगाते हैं। ये तो नहीं कि मैं हर एक को पकड़ पकड़ के बोलूंगा ए हेमंत मेरे व्यूअर भाई देख किसी को जाके गाली लेनी, ए पूजा हिमाचल देख यार किसी पे जाके हेट मत डालियो। मतलब 10 मिनट की वीडियो बनाऊं फिर 20 मिनट का
उसके बाद ये समझाऊं सबको कि भैया हेट मत डालना, जितना मेरे से बनता उतना हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को क्लाउट चाहिए। मेरे एक बिल्कुल वेजिटेरियन रोस्ट के बाद मेरे को स्टोरीज में मेंशन किया गया, मेरे को मिसोजिनिस्ट बोला गया, हम लोगों को मेल पैट्रियार्की पता नहीं क्या ईगो वाला पता नहीं क्या क्या बोला गया, मेरे को खुद नहीं पता मैं मिसोजिनिस्ट हूँ, इन लोगों ने बताया तू मिसोजिनिस्ट है। मैं कॉल करके पूछ रहा अपने दोस्तों से भाई मैं मिसोजिनिस्ट हूँ, क्योंकि मैंने कुछ अनफनी क्रिएटर्स को अनफनी बोल दिया था कि वो सब बस ब्रा जोक्स मारती हैं और मेरे को बिल्कुल भी फनी नहीं लगती, मैंने सिर्फ इतना बोला था। तो फिर इन लोगों ने मुझे पकड़ा स्टोरी में मेंशन कर करके अपने फॉलोअर्स के सामने बोला कि देख सुन तू मिसोजिनिस्ट है, तू जानता नहीं है, तेरे को पता नहीं होगा, तू अच्छा होगा लड़कियों के साथ लेकिन हम बता रहे हैं तू मिसोजिनिस्ट है, मेरी फोटो तक डाल दी अपनी स्टोरीज में। मैंने कहा चलो तब भी कुछ नहीं, ले लो भैया क्लाउड ले लो, अपनी ईगो सेटिस्फाई कर लो, कोई इशू नहीं है। इनके दोस्त भैया रिलीजन पे जोक मारे, कास्ट पे जोक मारे, लड़कों के साइज पे जोक मारे, हिंदू फोबिया फैलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नहीं कर सकते थोड़ा सा भी, क्योंकि हम इनकी गैंग में से नहीं है। इनका बस चले ना तो वो हरियाणा का गाना है ना वो कौन कहे बहु काले की, उसके टाइटल पे ही ये बोल देंगे तो रेसिस्ट गाना है। 500 मिलियन किसने देख लिया है, तो भैया ये गंवार गांव के गंवारों ने देखा है गाना, ये तो रेसिज्म फैला रहे हैं। और वो जो मुफाड़ ने कृष्णा को डिस किया था ना, ये लोग बोलेंगे मुफाड़ ने कृष्णा रैपर को डिस नहीं किया, कृष्ण भगवान को डिस कर दिया। अब जो है मुफाड़ को भी बॉयकॉट करो, मुफाड़ को भी स्टोरी में डाल के बोलो मिसोजिनिस्ट और रिलीजियस जोक मारता पता नहीं फला फला क्या क्या। तुमने बदला हमारे जोक्स का इंटेंट, पब्लिक ने बदला तुम्हारा, क्रिएट कर दी ट्रेजेडी। तुमने बदला हमारे जोक्स का इंटेंट, पब्लिक ने बदला तुम्हारे का, क्रिएट कर दी ट्रेजेडी। जब आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट का सगा नहीं है इधर, तो भैया फिर कैसे होगी इंडिया में कॉमेडी। अब ये तो नहीं ना कि एक गैंग के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, दूसरे के लिए नहीं होगी, जाएगी तो सबकी जाएगी, मिलेगी तो सबको मिलेगी, तो एक हो जाओ या ऐसे ही टुकड़ों टुकड़ों में रह लो। और दूसरी चीज, इन लोगों ने भैया इतना ज्यादा मेंशन किया, इतना ज्यादा पर्सनल अटैक्स किए, मैं कभी नहीं बोला, क्योंकि आई बिलीव इन मेंटल पीस और मैं काम करने में ध्यान देता हूँ, दूसरा मेरी एज और मेरा करियर दोनों ही यंग है। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती वो ये है कि बंदा जब तक दूसरों के साथ होता है खूब स्वाद लेता है, लेकिन जब उस पर खुद पे आ जाती है ना, तब उसको याद आती है फ्रीडम स्पीच रूल रेगुलेशन। और ऐसा यूट्यूब पर भी है, पिछली बार मैंने रोस्ट किया था ना लास्ट वीडियो में वन अभी देसी यूट्यूबर्स को, तो भैया मैंने क्या किया था, लिटरली यूट्यूब पे गया था, कीवर्ड डाला था देसी वैसी ये सब, और उसके बाद जो वीडियोज आई थी उनको उठा के रोस्ट कर दिया था। मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता था, इनमें से ही एक महानुभव थे रचित रोजा जी, भाई का रोस्ट के बाद मैसेज आता है मुझे, क्या सोच के तूने मेरी वीडियो अपने चैनल पर रोस्ट की #badmashlifeboys। हां ये यूट्यूबर थोड़ी है तो दाऊद इब्राहिम है, इनका कोई रोस्ट नहीं कर सकता, ये हगेंगे भी यूट्यूब पर, इनको कोई कुछ बोले भी ना फिर। और सबसे मजे की बात ये है कि इस चैनल पे काम कर रही है एक लड़की का मुझे ये मैसेज आया, एंड द फन फैक्ट इज दैट कि 2 महीने पहले ये लड़की मेरी फैन थी। नाम मैं सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि औरत लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं भाई, सच में भाऊ वाला सीन नहीं है अपना, और मैं इस पे हेट नहीं डलवाना चाहता, जो भी है जैसा भी है अपना काम रोस्ट करना है सिर्फ। और समझ लो तुम मेरे से 4 गुना बड़ा यूट्यूबर है वो, इन्फ्लुएंस इतना है कि इन दोनों के भी मिला के मेरे जितने लाइक्स नहीं आते इंस्टाग्राम पे, फेक फॉलोअर्स ओपी इन द चैट गाइस। मुझे कॉन्ट्रोवर्सी करके रचित भैया से आगे निकलना है, ओ लेकिन नहीं यार, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रचित भैया की तरह सिद्धू मूसेवाले के मैशअप पे वीडियो नहीं बना सकता। संस्कृत की कक्षा 8 की श्रृंखला है पठती पठतः पठंती, सुना तो होगा पढ़ा तो होगा भाई। संस्कृत की कक्षा 8 की श्रृंखला है पठती पठतः पठंती, और भाई सिद्धू और गुलजार के मैशअप पर देसी टाइटल लगाने से फनी वीडियोस नहीं बनती। और भाई जब हगी रहे हो थोड़ा ओरिजिनल तो हग लो, वो हर्ष बेनीवाल की 1 मिनट वाली वीडियोस को अपनी पोटी स्क्रिप्ट में डाल के क्यों उसकी ओरिजिनलिटी की भी धज्जियां उड़ा रहा है, कॉपी तो थोड़ा अच्छे से कर ले भाई। ही इज अ लीजेंड ब्रो एंड यू आर लीजेंड में से बस जी हटा दे। आजा तुझे एक किराए की फॉर्च्यूनर में घुमा दूं एक नई देसी वीडियो के लिए। मेरी महबूबा अभी क्रिटिसिज्म लेना सीख ले भाई, रोस्ट हमारा भी होता है। तो भाई वीडियो खत्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, किसी पे भी हेट नहीं डालनी, गाली गलोच नहीं करना, सब कुछ अपने कमेंट सेक्शन तक, अपने चैनल तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि हम गलत को फैक्ट्स के साथ गलत बोलने में बिलीव रखते हैं। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है आपका कुछ अलग हो, आई अप्रिशिएट दैट। और ये भाऊ और मिश्रा जैसे कार वाले इन्फ्लुएंसर और भी बहुत सारे आने लग रहे हैं जो AK-47 की तरह धनाधन गालियां बकते हैं, तो गाली बकने से और रेप थ्रेट देने से बेटर है कि उस गाड़ी का कुछ अच्छा इस्तेमाल कर लो, ओला उबर में ही चला लो, और तो उसका ओए रूम ही बना लो। वैसे तुम्हें लड़की मिलेंगी नहीं हरकतों के चलते, लेकिन जिन लोंडों के पास है उनको ही रेंट पे दे दो भाई गाड़ी।